सो गाइस इन टूडेज वीडियो जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था आपको एजिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ मैं इस वीडियो में ना कोई कोडिंग है ना कुछ है तो ये वीडियो छोटी भी हो सकती है मैं आपको डायग्राम और एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको बस बताऊंगा तो चलिए इंट्रोडक्शन देते हैं एजेक्स को देखते हैं एजेक्स असल में होते क्या है एजेक्स इज अबाउट मतलब एजिक्स अबाउट अपडेटिंग करने के लिए पार्ट्स वो भी वेब पेज के बिना रिलोडिंग करने के बिना रिलोडिंग द होल पेज वट इज एजेक्स एजेक्स है क्या एजेक्स तो है लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है देखें? एजेक्स का फुल फॉर्म है एसी क्रोनस जावस एंड एक्स एम एल कुछ तरीके से इसका फुल फॉर्म है इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं ये देखें। एजेक्स एक टेक्निक है फॉर क्रिएटिंग फास्ट और डायने एजेक्स के थ्रू आप टेक्निक आप इससे इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हो फास्ट बहुत जल्दी और डायनेमिक वेब पेजेस बहुत जल्दी से आप डायनेमिक वेब पेजेस बना सकते हो एजेक्स की टेक्निक की मदद से Ajax ना आपको ऑल्सो अलाउ करती है वेब पेजेस के ऊपर वेब पेजेस के ऊपर आप अलाउ करती है तो अपडेटेड करते हैं एसक्रॉन वाली है, सी बाय बाय एक्सचेंजिंग करने के लिए स्मॉल अमाउंट वो भी डाटा का विथ सर्वर बिहाइंड द सीन्स वो भी सर्वर पीछे की चीज़ है उसे मतलब आपको पता है पी एक पी सर्वर साइड लैंग्वेज है इसका मतलब है कि डैट इज़ पॉसिबल ये पॉसिबल है अपडेट करना पार्ट वो भी किसके वेब पेज के बिना रिलोडिंग करने के लिए बिना विदाउट रिलोडिंग द होल पेज एज ओके क्लासिक वेब पेजेस क्लासिक वेब पेजेस मतलब डू नॉट यूज एजेक्स मीन्स क्लासिक वेब पेजेस विद डू नॉट यूज एजेक्स मीन्स क्लासिक वेब पेजेस यूज नहीं करते एजेक्स को ये मस्ट रिलोड करते हैं एंटायर पेज को इफ़ द शुड चेंज देखें जब हम एस के कोड लिखते हैं उसके अंदर हम नई चीज़ें हम लोग पहले रख लिखते हैं एच वन फिर एच वन के अंदर हम लिखते हैं रेहान फिर हम सेव करते हैं फिर रिलोड करते हैं उसने रेहान दे दिया फिर हम लिखते हैं एच टू एच थ्री पी पैराग्राफ उन सबकी चीज अंदर मैं लिख देता हूँ जैसे कि पर्सनल पोर्टफोलियो उसके अंदर लॉरियमिक्सम का मैंने वो कर दिया तो हमें एंटायर पेज को रिलोड करना पड़ेगा ना इफ अगर आपको कॉन्टेंट चाहिए और चेंज करना है अपने कॉन्टेंट को तो वो इस तरीके से एग्जाम्पल्स देता हूँ एप्लीकेशंस की और ऑफ एप्लीकेशन यूजिंग एजैक्स आप यूजिंग एग्जैक्स के थ्रू आपको कुछ एग्जाम्पल्स के एप्लीकेशन देता हूँ एजेक्स के एजैक्स uh, को यूज़ करते हुए पहली एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको गूगल मैप्स की दूसरी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं जी की तीसरी एग्जाम्पल मैं आपको यूट्यूब की देता हूं और चौथी और आखिरी ये एग्जाम्पल मैं आपको फेसबुक टैब्स की देता हूं ये मैंने आपको चार एग्जाम्पल दिए हैं जो एप्लीकेशन uh, दी दिए जो यूजिंग करती हैं एजैक्स को गूगल मैप्स एजेक्स को यूज करता है जी मेल एजेक्स को यूज करता है यूट्यूब एजैक्स को यूज करता है फेसबुक टैप ये भी एजेक्स को यूज करता है ये तो हमने जान लिया लेकिन अजेक्स वर्क कैसे करता है इसका काम क्या है हाउट वर्क हाउ इट हाउ वॉट इज द प्रोसेस ऑफ दैट मैं आपको बताता हूं देखें ये प्रोसेस होता है एजेक्स को यूज करने का सबसे पहले ब्राउजर एट इवेंट अकवर्स करते हैं क्रिएट करता है एक्स एम एल का एसटीटी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट फिर ये सेंड करता है एसटीटी रिक्वेस्ट इंटरनेट के थ्रू किसको सर्वर को फिर सर्वर प्रोसेस करते हैं एस रिक्वेस्ट को और क्रिएट करते हैं डेटा बैक टू द ब्राउजर को और फिर ये इंटरनेट के थ्रू जाता है फिर इंटरनेट ब्राउजर को दे देता दे है फिर जो प्रोसेस है वो रिटर्नेट कर देता है JavaScript, और डेटा यूजिंग करता है जावास के और अपडेट कर देता है आपका पेज कॉन्टेंट देखें अगर आपको समझ नहीं आया मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं यहाँ पे गूगल लिखता हूँ और मैं इसके अंदर लिखता हूँ जैसे कि कोड विद रयान इसने हमें फौरन ऐसे कोड विद विदान अगर नहीं दे रहा तो आपने यहाँ पे आना है आपने सॉरी आपने यहाँ पे कहाँ पे आ जाना है यूट्यूब पे आ जाना है और यहाँ पे मैं कोड विद रयान लिख देता हूँ अब इसने मुझे कोड विद रयान ऐसा पूरा ऐसा दे कैसे दिया इसके पीछे काम क्या हुआ देखें इसमें सबसे पहले मैंने ब्राउजर ने एन इवेंट ऑकोवर्स किया मैंने इवेंट ऑकोवर्स किया उसके अंदर मैंने अपने चैनल का नाम लिखा फिर ब्राउजर ने क्रिएट किया एक एक्सएमएल एस टी टी पी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट फिर इसने सेंड किया एस टी टी पी रिक्वेस्ट किस कुछ ने सेंड किया एस टी टी पी रिक्वेस्ट इसने इंटरनेट के थ्रू सर्वर को भेजा और अभी हमारी ये जो यूट्यूब है वो भी इंटरनेट के थ्रू ही चल रहा है इंटरनेट के थ्रू इसने सर्वर को भेजा फिर सर्वर ने इसको थोड़ा सा प्रोसेस किया इसको देखा एस टी टी पी रिक्वेस्ट देखी प्रोसेस किया एस टी टी पी रिक्वेस्ट फिर इसने क्रिएट किया एक रिस्पॉन्स और सेंड किया बैक टू द ब्राउजर फिर इसने जब क्रिएट कर लिया रिस्पॉन्स इसने फिर नीचे से इंटरनेट को भेजा कहा इंटरनेट ने ब्राउजर को भेजा और फिर ब्राउजर ने प्रोसेस किया और रिटर्नेट किया डाटा को और यूजिंग करते हुए जावास्क्रिप्ट और उसने अपडेट कर दिया हमारे पेज के कंटेंट को और उसने मुझे कोड में ड्रेन प्रिंट कर दिया ये इस तरीके से जो तो पीछे की चीज़ें वो वर्क करती हैं ये आप देख सकते हो और ये इंटरनेट इसलिए लिखा भी क्योंकि ये चीज़ें इंटरनेट से ही चल रही है यूट्यूब किससे चल रहा है इंटरनेट जी मेल किससे चलता है इंटरनेट गूगल मैप किससे चलता है इंटरनेट Bhi bhi hai, Facebook, like dekhen, pe, और भी बहुत सी चीजें जो इंटरनेट से चलती हैं जैसे कि फेसबुक टैब वो किससे चलता है इंटरनेट फेसबुक किससे चलता है इंटरनेट लाइक दैट होता है इंटरनेट स्टैंडर्ड पे देखें यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है होता है इंटरनेट स्टैंडर्ड पे एजेक्स बेस होता है इंटरनेट स्टैंडर्ड पे और यूज करता है कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सएमएल ऑब्जेक्ट के ये क्या करते हैं चेंज करते हैं डेटा सर्वर के साथ नंबर टू जावास्क्रिप्ट या फिर डॉम ये डिस्प्ले करता है और इंटरैक्ट करता है विद इंफॉर्मेशन के साथ सी एस एस ये स्टाइल करता है आपके डाटा को एक्सएमएल यूज करता है एज द फॉर्मैट ट्रांसफेरिंग करने के लिए डाटा को एज एप्लीकेशन आर ब्राउजर और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट गूगल सजेस्ट एजेक्स बहुस पॉपुलर हुआ था वॉज मेड पॉपुलर मतलब जो एजेक्स है वो बन तो पहले ही गया था लेकिन ये वॉच जब यह बना था बहुत पॉपुलर ये दो हज़ार पाँच में मीन्स टू थाउजेंड एंड फाइव ये ये बहुत इतना पॉपुलर बना था बाई गूगल और विद गूगल सगैस मतलब गूगल ने इसको इतना सगैस किया कि ये ये दो हज़ार पाँच में ये एजेक्स इतना पॉपुलर हो गया के सब यूज कर रहे थे सारी बड़ी से बड़ी ये चीज़ें एजेक्स यूज़ कर रही थी जैसे यूट्यूब ले लो जीमेल ले लो गूगल ऐप फेसबुक टैप्स ये बड़ी सी बड़ी चीजें एजेक्स को यूज करना शुरू हो गई थी गूगल सजेस्ट गेस्ट करते हैं इस यूजिंग करो एजेक्स को क्रिएट करने के लिए वेरी डायनेमिक वेब इंटरफेस को ये गूगल सजेस्ट करता है मैं नहीं कर रहा ये गूगल सजेस्ट करता है कि ये यूजिंग करो एजैक्स क्रिएट करने के लिए बहुत अला तरीन डायनेमिक वेब इंटरफेस जब आप स्टार्ट करते हो टाइपिंग करना गूगल सर्च बॉक्स और जो जावास्क्रिप्ट है ना वो सेंड करते हैं लेटर्स ऑफ टू और सर्वर और सर्वर रिटर्न करता है लिस्ट वो भी आफ 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 की स्टार्ट करते हैं और यूजिंग करते हैं एजैक्स को आज आज के पी ट्यूटोरियल में हमने डेमोन्स्ट्रेट किया कैसे एजैक्स अपडेट करता है पार्ट वो भी वेब पेज के बिना रिलोडिंग करने के लिए होम पेज सर्वर स्क्रिप्ट वो भी राइट इन होता है पीएचपी के अंदर अगर आपको लर्न मोर अबाउट कर्न एजेक्स के बारे में आपने विजिट करना होगा हमारे एजेक्स ट्रिटोरियल के ऊपर लेकिन आज की वीडियो में हमने जाना है कि पी में जैक्स का इंट्रोडक्शन हमने दिया है आपको और मैं उम्मीद करता हूं आपका कौन सा ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो गया होगा इसके बारे में और अगर आपको आज की वीडियो तो जो पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें अपने दोस्तों फैमिली का वीडियो को शेयर करें और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देगा नोटिफिकेशन बैग हॉल करना मत भूलेंगे ताकि मेरी जो आने वाली वीडियो से उनको हम मिस नहीं कर पाओगे तो आज के लिए इतना ही गुड बाय